गाइस तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे। वेलकम टू द पाकिस्तानी प्रोज रिएक्शन। स्वागत है आपका हमारे को ब्रांड न्यू और मजेदार वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। बिल्कुल, तो अब आते हैं जल्दी से अपने इंट्रो की तरफ। मैं वजहत और मेरे साथ मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है क्योंकि इतने लिंक इस वीडियो के आ रहे थे, क्या बोले, मतलब बहुत ज्यादा लिंक आ रहे थे। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया एक्सपोर्ट हाइड्रोक्लोरोक्वीन टू USA एंड मैनी अदर कंट्रीज करंट अफेयर 2020 स्टडी। आर क्यू का वीडियो है तो मतलब हाइड्रोक्लोरोक्वीन मतलब वो भेजी है USA को, तो जल्दी से देखते हैं स्टडी। आर क्यू का वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, और कंट्रीज को भी भेज रहा है, तो जल्दी से देखिए। मे भी फिलहाल इसका यही इलाज है, मतलब यही टैबलेट्स हैं। सो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो और वेलकम टू स्टडी आई क्यू। नाउ इंडिया ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री का यहाँ पर रोल निभाया है और इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग बिल्कुल एक्सपोर्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरोक्विन को टू US और वेरियस अदर कंट्रीज़, इसमें सार्क देश भी शामिल हैं। नाउ इस सब के बीच में एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को थ्रेटन किया है। वीडियो है, उसको लोग एडिट करके दिखा रहे हैं, उसको भी मैं एड्रेस करूँगा, बताऊँगा कि रियलिटी है क्या उसकी। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, study IQ की ऐप आ चुकी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। डॉक्टर गौरव गर्ग के जो प्रीमियम करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइस, और वेरियस और कोर्सेज यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। सो गो टू गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड स्टडी IQ एजुकेशन ऐप टुडे। नाउ भारत सरकार ने रिसेंटली मेजर डिसीजंस लिए हैं। पहला निर्णय तो ये है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन, जिसको माना जा रहा है कि ये COVID-19 पेशेंट्स की कुछ हेल्प करती है। देखो, हाइड्रोक्लोरोक्विन कोई ये नहीं कह रहा कि क्योर है, ठीक है, किसी ने भी ये नहीं कहा ये क्योर है, मगर कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि अगर पेशेंट्स को ये मिले तो उनकी हेल्प हो सकती है। आज के समय वेरियस कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में इंक्लूडिंग US जहाँ पर COVID-19 पेशेंट्स को हाइड्रोक्लोरोक्विन दे रहे हैं। मैं आप सबसे ये बोलूँगा फिर भी कि इंडिया में पहली बात तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आप मेडिसिन लीजिएगा। नाउ अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की, इन दोनों दवाइयों की आज के समय बहुत ज़्यादा नीड है और इंडिया ने पहले तो ये कहा है, एक्चुअली हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्समैन हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनको पहली बात तो हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की टैबलेट्स प्रोवाइड करेगा अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज़ में। तो अगर इन द फ्यूचर पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, किसी भी कंट्री को ज़रूरत महसूस होती है ऑफ पैरासीटामोल एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो इंडिया के पास इतना स्टॉक है कि हम लोग इनको प्रोवाइड कर सकते हैं ये मेडिसिन। ऑफकोर्स ये मेडिसिन फ्री में नहीं होगी, हम लोग प्रॉपरली इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये निर्णय हमने अपने आप ले लिया है और बस दवाइयाँ बांटने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को रिक्वेस्ट करी कि हमको एक्सपोर्ट करो हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट्स, तो उसके बाद करीब 30 कंट्रीज ने दुनिया भर से इंडिया को रिक्वेस्ट करी कि देखिए जो हमारे एक्सपोर्ट की ऑर्डर्स हैं वो भी रिलीज कर दो, हमें भी ये दवाई चाहिए, फ्री में किसी को नहीं मिल रही, सबको हम बेचने की यहाँ पे बात करें। तो सब कंट्रीज ने ये कहा कि जो आपने एक्सपोर्ट रोक रखा है इसको प्लीज थोड़ा सा लिबरलाइज कर दो। तो जो ये 30 देश हैं इसमें सार्क देश भी शामिल है, मतलब के साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के मेंबर्स। तो सिंस सार्क कंट्री से ऑलरेडी एक्सपोर्ट को लेकर रिक्वेस्ट आ चुकी थी, तो इंडिया ने यहाँ पर कहा कि ठीक है, पहली प्रायोरिटी तो ये है अपने सिटीजन, हमारे लोगों के लिए अगर टैबलेट्स काफी हैं जो अभी के लिए लग रहा है कि है, तो उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये टू सार्क कंट्रीज। और वैसे देखो, सार्क कंट्रीज को इससे पहले हम वेरियस टाइम्स मेडिसिन एक्सपोर्ट कर चुके हैं। आपको याद होगा इससे पहले 2019 में जब इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स बहुत हाई हो गई थी, उस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो ट्रेड है ये बिल्कुल खत्म कर दिया था आफ्टर आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। तो उसके बावजूद जब पाकिस्तान की स्पेशल रिक्वेस्ट आई कि देखिए ठीक है, हमने ट्रेड तो खत्म कर दिया, मगर जो मेडिसिन है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उसका एक्सपोर्ट आप कर दो, तो इंडिया वहाँ पे मान गया था और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में हमने पाकिस्तान को दवाइयाँ एक्सपोर्ट करी थी। सिमिलरली ओवर द ईयर्स हमने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेरियस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके और काफी बार मेडिसिन डोनेट भी करी है। और सार्क कंट्रीज में भी कुछ कंट्रीज है जिन्होंने इंडिया की जो ये जेनरोसिटी है इसको रेसिप्रोकेट भी किया, मतलब कि सिंस इंडिया ने उनको एक्सपोर्ट करी मेडिसिन तो उन्होंने बाद में इंडिया की भी हेल्प करी। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान मैं कहूँगा इसका शाइनिंग एग्जाम्पल है। रिसेंटली इंडिया ने अपनी मेडिसिन के अलग स्टैंडर्ड्स निकाले, ये एक बहुत ही ज़रा मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्रो कराने का।
तो अफगानिस्तान पहला देश था दुनिया में जिसने रिकॉग्नाइज किया नए इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉर मेडिसिन। तो ऐसा नहीं है कि हर देश बस यहाँ पे एहसान फरामोश होते हैं, कई कंट्रीज रेसिप्रोकेट भी करते हैं आपकी जनरोसिटी। उसके बाद इंडिया ने यह भी कहा है कि हम लोग उन कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करेंगे एसेंशियल ड्रग्स जो बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। इसमें वेरियस यूरोपियन कंट्रीज और प्राइमरली यूएस भी शामिल है। दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस ऑफ कोविड-19 आज के समय है इन यूएसए। ऑफकोर्स ये सब तभी किया जाएगा, पहले हम अपनी जो स्टॉक पोजिशन है इसको ध्यान में रखेंगे। और अभी के लिए जो लग रहा है कि चाइना की तरफ से भी एपीआई आ रहे हैं और धीरे धीरे हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल जाइडस, इपका लेबोरेटरीज, ये सब बहुत ही तेजी से ये मैन्युफैक्चर कर रही है मेडिसिन, तो हमारे पास स्टॉक काफ़ी होगा और हम बहुत सी कंट्रीज को ये ड्रग एक्सपोर्ट कर भी पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे एक्सपोर्ट के टू यूएस, उसके अलावा ब्राज़ील, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, वेरियस गल्फ कंट्रीज, उन सब के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो इंडिया पूरा करेगा और इन सब कंट्रीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल की टैबलेट्स मिल जाएंगी। नाउ इस सब के बीच में ना एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है एक वीडियो फुटेज को लेकर। हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इनके स्पोक्समैन अनुराग श्रीवास्तव ने यह कहा है कि देखो बहुत ज्यादा मीडिया अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है और तो ये नहीं करना चाहिए। ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है मेडिसिन का, इसकी पॉलिटिसाइजेशन करना गलत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस वीडियो को लेकर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। To ban export of medical goods like Indian Prime Minister Modi's decision to not export hydroxychloroquine to the United States and other countries? I don't like that decision. I didn't hear that that was his decision. I know that he stopped it for other countries. I spoke to him yesterday. We had a very good talk and we'll see whether or not that's his. I would be surprised if he would, you know, because India does very well with the United States. For many years they've been taking advantage of the United States on trade. एडवांटेज ले रहे हैं, ले रहे हैं वो, उसने बोला। Tell me that. I spoke to him Sunday morning, called him, and I said we'd appreciate your allowing our supply to come out. If he doesn't allow it to come out, that would be okay. But of course, there may be retaliation. Why wouldn't there be? Retaliation. Now, यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिपोर्टर ने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो ये है कि सिंस यूएस आज के समय मेडिकल सप्लाईज का एक्सपोर्ट रोक कर बैठा है, वो कोई दवाई या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर नहीं रहे क्योंकि उनके खुद के देश में कमी है, तो क्या यूएस ये मानता है कि अगर ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसकी रिटेलिएशन आएगी? पहला सवाल ये था। जो लोग लगातार ये इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें ये जो क्वेश्चन है इसका पार्ट एडिटेड है। फिर आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, रिपोर्टर अपने आप एक एजम्पशन कर रहा है कि इंडिया यूएस को ड्रग एक्सपोर्ट नहीं करेगा, इवन दो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट करी थी और उसके बाद इंडिया ने यह कहा था कि हम कंसिडर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सपोर्ट है ये करना है नहीं करना, हमारे पास स्टॉक कितना है। तो देखो रिपोर्टर ने यहाँ पर अपने आप ये कह दिया कि इंडिया अपनी तरफ से एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि मुझे पता नहीं है कैसे हुआ है या नहीं हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद उन्होंने रिटेलिएशन वाला जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर दिया है। तो देखिए ये बिना बात की कंट्रोवर्सी है और मैं बिल्कुल भारत सरकार का साथ देना चाहूँगा यहाँ पर। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने जो ये कहा है कि पीपल आर ट्राइंग टू क्रिएट अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, ऐसे जो आर्टिकल्स हैं यहाँ पे आप देखोगे बीबीसी का आर्टिकल है ट्रंप इज थ्रेटनिंग इंडिया। देखिए कोई थ्रेट नहीं है, वीडियो में आप अगर पूरा देखो क्वेश्चन क्या था आंसर क्या था, कोई थ्रेट नहीं है। तो ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है, यूएस की तरफ से रिक्वेस्ट आई है, हमने कंसिडर किया और ना सिर्फ यूएस को, जर्मनी, फ्रांस, वेरियस कंट्रीज, यूएई, सार्क देश, सबको हम लोग पैरासीटामोल, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरोक्विन और हो सकता है इन द फ्यूचर और ड्रग्स भी अगर हमारे पास हो तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। यहाँ पे वीडियो खत्म। जब हमारे पास भी था अभी हमने चाइना को भेजी थी ना यहाँ से, हमने भी यहाँ से भी करनी चाहिए। जब होता है तो मतलब यार भेजता है स्टॉक इंडिया ने जो हो तुम्हारे पास, हाँ अगर ना फिर भी बात है। तुझे बात बताऊँ अब इंडिया कितना बड़ा कंट्री है और लोगों ने वैसे फजूल में मतलब उसका क्या बना दिया यार मीडिया, बात का बतंगड़ उन्होंने बता दिया। देखो बात थी मीडिया को चाहिए होते हैं मिनटों के अंदर और अगर यार लाखों व्यू उनको कैसे मिलेंगे वो इस तरह की चीजें। मतलब ट्रम्प ने बोला ही मतलब इस तरह तो लोग समझ गए, बीच में कुछ लोग थे हाँ मतलब थ्रेटन कर दिए और फिर उसकी दे दी और दूसरे उसको मीडिया में इस तरह। और तुझे पता है ट्रम्प पहले ही कितनी टेंशन में थे वो बेचारा, मतलब जाहिर बात है इतने टेंशन में उसके मतलब कंट्री में क्या हाल हुआ। बिल्कुल और वो कहां से फिर भी उसने मतलब एक लेकिन मीडिया ने थोड़ा उसको बयान गलत किया यार। सीधी बात है देख अगर मीडिया ये बात नहीं करेगा उनको मिनटों में, बीबीसी ने तो साफ बोल दिया थ्रेटन
वाओ इस सिचुएशन में अब अमेरिका मारेगा बंक करेगा अमेरिका इंडिया पे हमला क्यों नहीं क्या मतलब कि दवाइयां नहीं मिल रही तो हम करेंगे हमला यार ये अभी मीडिया की मैं हम लोग कब शुरू से मतलब जैसे चैनल स्टार्ट किया हम तो ये बोलते हैं कि मीडिया इस तरह की चीजें करते जाके हेट फैले और सेम सिचुएशन मतलब पाकिस्तान सार्क मतलब सॉरी इंडिया सार्क कंट्रीज को भी दे रहा है जाहिर बात है और बाकी कंट्रीज में जर्मनी फ्रांस स्पेन बताऊंगे अभी देर बिल्कुल बकाया जो दुश्मनी है वो है जगह पे लेकिन ये चीजें ये जो ड्रग्स और ये मेडिसिन ऐसी चीजें लाइफ सेविंग है तो इसमें मतलब नहीं होना चाहिए और बात ठीक है बिल्कुल पाकिस्तान ने फिर बोला था कि मतलब इंडिया को कि भाई आप लोग हमारे साथ ये ट्रेड रखो तो फिर इंडिया ने भी हाँ बोल दिया था कि ठीक है हम आपसे ये ट्रेड रखेंगे तो ये मतलब मेडिसिन का एक अलग है और ये मतलब बहुत अच्छा देखे इन्होंने डिसीजन लिया और कंट्रीज को भी दे रहे जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस टाइम बहुत ही हालात खराब हो गए तो इस टाइम और चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए दुश्मनी मुश्मनी मीडिया को भी थोड़ा चाहिए कि एकजुट होकर थोड़ा यार काम करो तुम लोग मतलब फजूल में पूरी पूरी कंट्रोवर्सीज निकाल रहे हो यूएस से थ्रेट इन इंडिया मतलब क्या थ्रेट सीरियसली बीबीसी ने साहब आर्टिकल बना रहा है मतलब बीबीसी पे तो वैसे भी नहीं है वो हर किसी कंट्री को बड़ा चढ़ा के बोलता रहता है हां वो हर किसी के खिलाफ बोलता है उसको मारोगे ना सो काफी यार मतलब हां और मतलब कि यार देख मतलब कि मीडिया को भी चाहिए एक साथ एकजुट होकर करें मतलब कि आप लोगों को एक तमुल दो कि हाँ ये कहाँ इस पर काम चल रहा है और अच्छी चीज़ें बताओ उल्टा और लोगों को डरा रहे होते हैं तो इस तरह नहीं होने चाहिए और इंडिया ने ये भी बोला है कि भाई हम लोग अपनी ज़रूरत को देखेंगे फिर उसके मुताबिक आगे स्टेप्स लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सबसे पहले अपने लोग फिर उसके बाद फिर भेजना चाहिए लेकिन इंडिया ने भी यही बात बोली जो हम लोग भी इनके साथ एग्री करते हैं सो इधर यार वीडियो खत्म करते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़ नमस्ते सत श्री अकाल